أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जाहिर जामा के दिल में एक मिसाल ये है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम हमारे दिल में अबुदुल फकरी कहते हैं, अबुदुल फकरी के अंदर वही बंदा वही हाजिर आगे बढ़ सकेगा कि जिसे तशरीफ अगर हो रहा है, जो एनाटॉमी जानता है, जिसे तशरी का नहीं पता वो कैसे ये अपने अंदाजा लगाएगा कि फुकराते कुंकिया और फुकराते सदरिया में जो उसका सारी मकाम जो उसका संगम है वहाँ से जो मसल्स निकलते हैं वहाँ पहचाना कैसे किया जाएगा, जो एनाटॉमी नहीं जानता वो कैसे उस मकाम पर पहुँचेगा। इसलिए जायजनामा के तयन के लिए ज़रूरी ये है कि वो हाजिम जो है वो उसे तशरी पर मकबूल होना चाहिए। ये एक मिसाल आपके सामने रखी है कि ये देखिए कि अगर आपको डॉट मिला नजर आ रही है कि ये ऐसे आपको मरीज मिलेंगे कि जो कमर है कि कमर के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड वाली ये मुझे फकरी की जो जगह ये दबी हुई है और साइडों से मसल्स ऊपर की तरफ आ रही है। ऐसे मरीज को हंगामा करने के लिए एक अच्छे हाजिम को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कफ किस नोरियत से लगाऊँ क्या किसे करूँगा। एक मरीज उसे ऐसा मिलेगा कि जो जिसके ये अमूद फकरी जो है सामने नजर आ रहा है, तो इसलिए जब तक एक तबीयत के अंदर भी चीज़ मौजूद नहीं होगी कि उसकी गहराई तक पहुँचे वो कभी भी कामयाब थेरेपिस्ट नहीं बन सकेगा। कामयाब अमले इस्तकरार के लिए भी जरूरी है कि बंदे हाजम के अंदर हमदर्दी का रवैया होना चाहिए। अगर हमदर्दी नहीं है तो आप समझ लें कि ये सारा निज़ाम सारा सिस्टम चल ही नहीं सकता, क्योंकि हमदर्दी नहीं है। अगर आप किसी को जबरन हंगामा कर रहे हैं, ये सख्त रवैया अपना रहे हैं, तो आप इसे नशीन रखिए कि कुव्वत मुतबरा बदन कभी साथ नहीं देगी। कुव्वत मुतबरा बदन इंसान की वो कुव्वत है कि जिसे दोस्ती की ज़रूरत है, जिसे प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, कि कभी भी परेशानी के आलम में आप इंसानी जिस्म का साथ नहीं दिया करते। इसलिए माहौल और हाजिर का रवैया इतना दोस्ताना और इतना बेहतर होना चाहिए कि वो इस अमल में सही नतज तक पहुँच सकें। मकामी नुजुल का वो जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये वो बुनियादी चीज़ें कि ये हो भी पता होगा। एक मिसाल के सामने ये रखी है कि मकामी नुजुल में आपको स्लाइड में तीन जना वो शेर नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक जना वो नुजर सही है, जिसे हम नुजर हसन कहते हैं, उसकी मिसाल रखी गई है कि जैसे ही उससे फरागत हुई, ये पहली इब्तदाई स्टेज है, अभी यहाँ से हंगामा इसकी उजर नहीं शुरू हुई, जो है जो अपने नेगेटिव पैसे दे के करनी है, हल्के स्क्रैच लगाने के फौरन बाद उजर शुरू हो जाए, इसका मतलब ये कि हाजिम ने सही फैसला किया था कि यहाँ पे मुकामी उजर हो चुका है और ये उजर बता रही है कि अब यहाँ पे हंगामा किया जाए। या दूसरी स्टेज ये होती है कि अगर नहीं उजर हो रही, इसका मतलब है कि उसने जो लगाए बिस्तर से जो रोज लगाए हैं वो बड़े खफीफ लगाए हैं, वो अभी नहीं लगाए, उसकी किस्म उसने दूसरी लगानी चाहिए थी।